नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ एक बार फिर प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ। और आज मैं चर्चा करने वाला हूँ लियो राशि और लूनर इक्लिप्स के बारे में। जो इक्लिप्स होने जा रहा है 5 जुलाई को, वो लियो राशि के ऊपर अपना कैसा प्रभाव डालेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये चर्चा जारी रहेगी, एक छोटी सी आपको कुंडली दिखाता हूँ, उसके बाद आप जान पाएंगे कि ग्रहों की पोजिशन जो है वो कैसी है। तो देखिए, कुंडली आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। इस कुंडली के हिसाब से जो इक्लिप्स है आपके, चंद्र इक्लिप्स जो मून इक्लिप्स हो रहा है, लूनर इक्लिप्स जिसको हम कह सकते हैं, वो 5th हाउस में चंद्रमा की पोजीशन है और चंद्र, केतु और बृहस्पति का योग, यानी कि धनु राशि में ये इक्लिप्स हो रहा है। लेकिन आपकी राशि में धनु राशि 5th हाउस में, और ये 5th हाउस क्या इम्पैक्ट डालेगा हम उसको अब जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये जो स्थितियां हैं वो कैसी हैं और क्यों आप लोगों के ऊपर अपना जो प्रभाव है वो नेगेटिव प्रभाव जो है वो छोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि चंद्रमा आपकी कुंडली में 12th हाउस का लॉर्ड है और वहीं 5वें घर में बैठा हुआ है। एक्लिप्स के दौरान इस चीज का ये दिखा रहा है कि आप लोगों को एंग्जाइटी जो है वो काफी ज्यादा हो सकती है। एंग्जाइटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही आप गलतियों को करने की गुंजाइश को बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप धीरेता से काम लेंगे तो ये जो चंद्र ग्रह है वो आपके लिए लाभकारी होगा। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा और बहुत सारे रुके हुए आपके जो काम है वो धीरे धीरे करके बनते हुए दिखाई देंगे। आपको एक अच्छी पहचान मिल सकती है। ये चंद्र ग्रहण आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी पोजीशन जो है वो बनाए हुए है। 5th हाउस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपकी जान पहचान बढ़ती है, आप लोगों के अंदर इच्छा शक्ति पैदा होती है, और साथ ही साथ 5th हाउस का संबंध होता है कुछ प्राप्त करने का। प्राप्त एक तो होता है मेहनत से प्राप्त करना, एक होता है लक से प्राप्त करना। तो क्योंकि 5वां घर 9वें घर से जुड़ा हुआ है, तो आप लक के ऊपर भी बहुत बिलीव करते हैं, भाग्य के ऊपर। तो ऐसा लगता है कि आपको इस बार लॉटरी आदि के माध्यम से कुछ लाभ हो सकता है। सडन जॉब में कुछ परिवर्तन जो प्रमोशन के साथ हो सकते हैं, आपके कामकाज में आपकी जो स्थितियां हैं वो बेहतर दिखाई दे रही हैं। तो मुझे कुल मिला के ये लगता है कि चेंज ऑफ प्रोफेशन की बात हो सकती है, चेंज ऑफ रोल की बात हो सकती है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है ऑफिशियली लाइफ में, ये करियर वाइज मैं कह रहा हूँ, और साथ ही साथ किस तरह का रिकग्निशन आपको मिल सकता है जो आपके लिए अच्छा है। वहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो सकती है कि घर बैठे हैं आप, घर से ही काम कर रहे हैं, तो कुछ किया जाए। तो आप लॉटरी आई डाल सकते हैं जिसमें आपको सक्सेस मिलने के योग बने हुए। तो ये इक्लिप्स आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इक्लिप्स साबित होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुंडली एक बार फिर से देखिएगा कि किस तरह से ये इक्लिप्स आप लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। सबसे पहले मैं कहूँ कि चंद्रमा 5th हाउस में 12th हाउस का लॉर्ड होके, तो ये संतान से संबंधित जो चीजें हैं उसको लेके जरूर टेंशन का कारण बनेगा, लेकिन बाद में जो टेंशन है वो आपकी फेवर में आ जाएंगी। साथ ही साथ ऐसा भी एक योग जो है वो बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के जब मैं बात करता हूँ गेन की, तो 10th हाउस के साथ, करियर के साथ भी इसका एक खास गहरा कनेक्शन इस समय के दौरान रहेगा, और ये कनेक्शन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ कि लूनर इक्लिप्स लियो राशि वालों के लिए हल्की सी एंग्जाइटी के साथ शुरू होगा। स्ट्रेस होगी, खर्चे शायद बढ़ने के आसार होंगे, लगता है कि अरे अब कैसे मैनेज करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं से फिर आप लोगों के लिए एक ऐसे ऐसा होता है ना, एक एक कोई चमत्कार की तरह कोई चीज होती है और सारे साधन आपके लिए बनने शुरू हो जाते हैं। मित्रों के माध्यम से आपको लाभ जो है वो, धन का लाभ जो है वो हो सकता है। वहीं परिवार में कुछ कलह की स्थिति रहेगी, और खास तौर पे इस समय के दौरान आपको अपनी मदर की हेल्थ के बारे में बहुत ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे मदर की हेल्थ को लेकर कुछ चिंताएं जो है आपकी बनी रहेंगी। जो लोग फॉरेन विजिट करना चाहते हैं उनके लिए ये लूनर इक्लिप्स जो है खास तौर पे लियो राशि वालों के लिए काफी अच्छा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है इस समय कुछ प्रॉपर्टी आदि खरीदने की कोशिश कर रहे हों, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी में वो सहायता कर सकते हैं, खुद प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो ऐसी संभावना है कि आपको उनके माध्यम से जो है लाभ जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहूंगा लियो राशि के मित्रों को कि अपने मन के ऊपर कंट्रोल रखें, किसी भी एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को, स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर आप इतना करने में कामयाब हो गए तो समझिएगा कि ये इक्लिप्स आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इक्लिप्स साबित होने वाला है, और जिसका पूरा पूरा लाभ आप लोग ले पाएंगे। इसी सब जानकारी के साथ आप मुझे ज्वाइन इन करिएगा मेरे लाइव प्रोग्राम में। तब तक के लिए नमस्कार।